हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोहा चिवड़ा की रेसिपी। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि आज हम इसे बिना फ्राई किए बनाएंगे। केवल 2 चम्मच तेल में आज हम ये चिवड़ा तैयार करने जा रहे हैं, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। शुरू करते हैं। प्लेटर ऑफ टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें पोहा डालेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 कप पोहा डाल रही हूँ, नॉर्मल पोहा जो हम खाने में यूज़ करते हैं। आप चाहे तो पतला वाला पोहा भी ले सकते हैं। और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी सूखा ही हमें भूनना है इसे, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं पोहा क्रिस्पी हो गया है, खुशबू भी आने लगी है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये पोहा तैयार है, इसे साइड में रख देते हैं। और अब सेम कढ़ाई में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल अब गर्म हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली। यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच मूंगफली ले रही हूँ। इसको हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो मूंगफली अब फ्राई हो गई हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं एक बोल में और साइड में रख देते हैं। और अब सेम तेल में मैं डाल रही हूँ कुछ कड़ी पत्ता और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाली है चने की दाल। मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बादाम। मैंने इसको बीच में से हाफ काट लिया है और डाल दिया है इसमें। और अब डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच डालेंगे हम काला नमक और 1 चम्मच डालेंगे हम पिसी हुई शक्कर। मिक्स कर देंगे अच्छे से सब चीज़ों को। और अब इसमें हम डालेंगे पोहा जो अभी हमने रोस्ट करके साइड में रख लिया था, वो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ ऐड करेंगे मूँगफली जो अभी हमने फ्राई करके मूँगफली रखी थी वो इसमें डाल दी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। केवल 2 चम्मच तेल में हमने ये चिवड़ा तैयार किया है। साथ ही साथ डाल देते हैं थोड़ी सी किशमिश। आप चाहें तो और भी अपनी पसंद की ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो ये देखिए चिवड़ा अब तैयार हो गया है शाम की चाय के साथ। इन्जॉय कीजिए। केवल 2 चम्मच तेल से बहुत ही हेल्दी चिवड़ा आज हमने घर पर बनाया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा।